पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी विधानसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन के द्वारा बेंगाबाद क्षेत्र में शनिवार को रोड शो किया गया। इस दौरान चपोड़े में मुंडहरी चौक में गिरिडीह जिला अध्यक्ष मोहम्मद समीम के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के उपरांत मोहम्मद समीम ने मीडिया कर्मियों को बताया कि गांडी विधानसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का परचम लहरेगा। जनता का रुझान पूरी तरह से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना सोरेन की जीत सुनिश्चित है। इधर सोनबाद क्षेत्र में भी गठबंधन के समर्थक मोटरसाइकिल रैली निकालकर रोड शो किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। मौके पर मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शहनवाज, रॉकी सिंह, शोभा यादव, अजय यादव, पप्पू यादव, चंद्रशेखर सिंह, दीपक पाचक, मोतीलाल शास्त्री, क्यामोल हक, दुर्गा प्रसाद, शेखर सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या सोरेन जी का क्या प्रभाव होगा गांडी में या गांडी में सीता सोरेन जी का प्रभाव तो कोई मतलब नहीं है लाने का। अब वो लोग यही है निगेटिव बात करेंगे कि उनके परिवार अलग हो गई है, इनकी ये पीड़ा है, ये तकलीफ है। तो सीता सोरेन को चुनाव लड़ रहे हैं तो जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं, बेकार का घूमने से कोई मतलब तो है नहीं। यही सब तो बीजेपी की गलतियां हैं कि अपने 10 सालों का मूल्यांकन वो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं कि आपने क्या कहा और आपकी कथनी या करने में कितना अंतर है। रोड, बिजली, पानी समस्या, महंगाई समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। केवल रोड मांगता है लोग तो मोदी, पानी मांगता है तो मोदी है, बिजली मांगता है तो मोदी। अरे बाबा, मोदी जी पूरे देश के एमपी नहीं ना हैं। आपके जो 10 साल से एमपी हैं या 5 साल से एमपी हैं, उन्होंने उस क्षेत्र के लिए क्या किया, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। देश आगे बढ़ रहा मोदी, सड़क बन रहा मोदी, केवल और केवल मोदी मोदी के नाम पर। ऐसा नहीं होता है, कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी भी अपनी होनी चाहिए। हम लोग हर वक्त हेमंत हेमंत नहीं कर रहे हैं, हम दिखाते हैं, बताते हैं कि मैंने क्या काम किया है, क्या भलाई किया है, लोगों के लिए क्या काम किया है, लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये भी तो होना है। अब मोदी जी की चर्चा क्या आप करते हो, मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, गिरिडीह का एमपी मोदी, कोडरमा का एमपी मोदी, देश का पीएम मोदी, ऐसा है, वही लड़ रहे हैं 542 सीट पर, 544 सीट पर। दोहरी बताया जा रहा है कि दोहरे आप पर एक दबाव सा है, चूँकि आप यहाँ से एमएलए रहे हैं, एक तरह अनबीटन एमएलए कहा जाए, तो आपने इस्तीफा दिया था, तो कितना जरूरी है जितना कल्पना जी का, कितना आपको आप पर चैलेंज है दबाव से? मैं लगा हुआ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कल्पना जी जीतेंगी। और जिन अधूरे कामों को मैंने छोड़ा है, जो काम शुरुआत हो गई वो तो कंप्लीट होगी, कुछ नए काम भी इस क्षेत्र में विकास। मथुरा जी के बारे में आपका क्या कहना है? लोग मथुरा बाबू भी जीतेंगे, एक अच्छे उम्मीदवार हैं, साफ सुथरे हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लोगों के बीच में रहते हैं, इसी विधानसभा इसी पार्लियामेंट के विधानसभा के सदस्य भी हैं। आप ही बताइए पिछले 5 साल में सीपी सिंह साहब ने क्या किया गिरिडीह के लिए, क्या किया वो छोड़ दीजिए, कितने बार उनका दर्शन हुआ, लोगों के सामने आए, अपीयरेंस हुआ, वही बता दे। इस आधार पर वोट मांग रहे हैं सीपी सिंह, उनको तो वो शायद क्षेत्र बदलने के ही फेरा में थे, ज़्यादा अच्छा होता उनको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेमिसाल ताकत और भरोसे का दूसरा नाम बाबा बैटरी। अब यह प्रतिष्ठान शाहबादी मार्केट से उठकर कालीबाड़ी चौक भी मार्ट के सामने आ गया है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की बैटरी, मसदन गाड़ियों की बैटरी, यूपीएस बैटरी, सोलर बैटरी एवं इन्वर्टर और यूपीएस उपलब्ध है। हमारे यहाँ होम सोलर सिस्टम की सभी व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास एक्साइड, ल्यूमिनियस, लिपगार्ड, माइक्रोटेक जैसी विश्वसनीय कंपनियों की बैटरियाँ उपलब्ध है। यहाँ सभी सामानों की गारंटी एवं सर्विस आपको अवश्य मिलेगी, तो इस भीषण गर्मी में राहत के लिए आज ही पधारें, हमारी सेवा आपको अवश्य पसंद आएगी। हमारा पता मगतपुर कालीबाड़ी रोड, वी मार्ट के निकट, गिरिडीह।